भोजपुरी सुपरस्टार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की नई फिल्म आ रही है रितेश पांडे के साथ और डायरेक्टर है मंजुल ठाकुर। इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों बनारस में बड़ी जोर शोर से चल रही है। फिल्म का मुहूर्त हो चुका है, आप हमारे स्क्रीन पे इस फिल्म की फोटोज देख सकते हैं। खैर, इस फिल्म में अक्षरा सिंह के साथ आपको देखने को मिलेंगे विपिन सिंह यानी कि उनके पिता और माता नीलिमा सिंह। आपको ये दोनों इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म में रितेश पांडे का एक बड़ा ही क्लीन शेव वाला लुक है जो आजकल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। जी हाँ, अभी तक आपने रितेश पांडे को ज़्यादातर दाढ़ी मूछों में ही देखा होगा, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जब रितेश पांडे क्लीन शेव लुक में आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म की डिमांड ही ऐसी है कि इस फिल्म के लिए रितेश को अपना ये मेकओवर करना पड़ा। फिल्म डोली को लेकर रितेश और अक्षरा काफी एक्साइटेड है। वैसे अक्षरा पिछले दिनों पवन सिंह के विवाद को लेकर काफी चर्चाओं में थी। वैसे अक्षरा सिंह और पवन सिंह का विवाद भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अक्षरा सिंह और रानी चटर्जी का नया विवाद शुरू हो गया है। जी हाँ, दबे लफ्जों में रानी ने अक्षरा पर तीखा वार किया है कि उनके टाइम की जो एक्ट्रेसेस थी वो काफ़ी मैच्योर थी और इस टाइम की जो एक्ट्रेसेस हैं वो इंडस्ट्री का माहौल ख़राब कर रही हैं। भाई, इस बात पर अक्षरा सिंह को लग गई मिर्ची और अक्षरा सिंह ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टेटस के माध्यम से रानी चटर्जी को खूब खरी खोटी सुनाई। हाँ, ये बात और है कि उन्होंने रानी चटर्जी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे उनकी तरफ ही थे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।